नमस्कार साथियों, फिर से मैं आपके लिए बहुत ही आईएमपी क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो जीएस से रिलेटिव हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने इससे पीछे वाले क्वेश्चनों को नहीं देखा है तो इससे पीछे वाले क्वेश्चनों को भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से उन सभी क्वेश्चनों को वन बाय वन देख सकते हैं। चलिए आज का जो 91 नंबर का क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। पीएच स्केल की खोज किसने की थी? पीएच स्केल की जो खोज की थी वो की थी किसने? सोरेनसन ने। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ये कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी? सोरेनसन। आपको ये पीछे वाला नाम यदि आपको नहीं पता रखना है तो ये लास्ट वाला, किसी भी वैज्ञानिक का आप लास्ट वर्ड पता रखें। तो जैसे कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी? एस पी एल सोरेनसन ने की थी, लेकिन हम अक्सर बोलचाल की भाषा में इसे पता रखते हैं किसके नाम से? सोरेनसन के नाम से। आरपीएफ 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है और लास्ट टाइम जो ग्रुप डी का पेपर लगा था उसमें, ग्रुप डी के पेपर में ये पूछी हुई है बात। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मोर लवण है। सबसे पहले तो हमें जानना था कि मोर लवण क्या होता है। मोर लवण होता है दो या दो से अधिक लवणों से मिलने पर जो लवण बनता है उस लवण को कहते हैं मोर लवण, और मोर लवण का दूसरा नाम होता है दिक लवण। जैसे कि उदाहरण हम देखें किसका? फिटकरी का। फिटकरी एक मोर लवण की तरह बिहेवर करती है। क्या करती है? मोर लवण की तरह बिहेव करती है। तो जैसे कि फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4 का 3.Al2SO4 का 3.24H2O। किसका सूत्र होता है ये? फिटकरी। और फिटकरी को क्या कहते हैं? मोर लवण कह सकते हैं या उसको क्या कहते हैं? दिक लवण कहते हैं। और दिक लवण की मैंने आपको परिभाषा बताई कि वे लवण जो दो या दो से अधिक लवणों के मिक्स होने पर बनते हैं उन्हें कहते हैं मोर लवण या दिक लवण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सभी एसिड के लिए आम तत्व हैं। हमारे पास अम्ल वे होते हैं जो जल में विलय होकर क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। यानी कि H+ तो होना उनमें क्या होता है? अनिवार्य है। और H को क्या कहते हैं हम? हाइड्रोजन कहते हैं। हाइड्रोजन आवर्त सारणी में एक नंबर पे आने वाला एलिमेंट होता है, और हाइड्रोजन एक ही आवर्त सारणी में वर्ग में आता है, एक नंबर के वर्ग में आता है और एक नंबर के आवर्त में आता है। और हाइड्रोजन अम्लों में अनिवार्य तत्व होता है, यानी कि अम्लों में कम से कम हाइड्रोजन की मात्रा होनी चाहिए। चाहे वो संख्या में कमी हो लेकिन हाइड्रोजन उसमें होना चाहिए। अब उदाहरण के लिए कोई सा भी उठा लें, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उठा लें, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 उठा लें, कोई सा भी अम्ल उठा लेना, उसमें हाइड्रोजन की मात्रा होगी। तो सभी एसिडों के लिए जो आम तत्व होता है वो कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है। यहाँ से हमारा सही उत्तर होता कौन सा? हाइड्रोजन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से पाक या बेकिंग सोडा किसे कहा जाता है या कौन सा है? सबसे पहले जानना था यहाँ से पाक या बेकिंग सोडा क्या होता है। अब देखो, जो सोडा होता है बेकिंग सोडा, इस बेकिंग सोडे को कहते हैं खाने वाला सोडा। कौन सा सोडा कहते हैं? खाने वाला सोडा कहते हैं। और एक आता है धोने वाला सोडा। अब यहाँ से दिए हुए ऑप्शन में बताना था कि पाक सोडा या खाने वाला सोडा किसे कहते हैं। जो खाने वाला या बेकिंग सोडा आता है वो कहा जाता है किसे? सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3 होता है। तो यहाँ से आप तीन अलग अलग क्वेश्चनों को कर पाए हो। कौन कौन सा? पाक या बेकिंग सोडा किसे कहते हैं? खाने वाले सोडे को, खाने वाले सोडे को। और इसका नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3 होता है। लेकिन इसके और भी ऑप्शनों को यहीं से हम जानते हैं कि सोडियम कार्बोनेट क्या होता है। अब जो सोडियम कार्बोनेट होता है ये कहते हैं धोने वाले सोडे को। किसको कहते हैं? धोने वाले सोडे को। अब आपको यहाँ से अलग अलग पता चला होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा और सोडियम कार्बोनेट धोने वाला सोडा। सोडियम कार्बोनेट का हम रासायनिक सूत्र देखें NaHCO3, लेकिन जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जो धोने वाला सोडा आता है, इस धोने वाले सोडे का सूत्र आता है Na2CO3.10H2। अब यहाँ से रेलवे की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था इसके रासायनिक सूत्र से कि धोने वाले सोडे में कितने जल के अणु होते हैं। तो यहाँ से आपको बताना था कि कितने जल के अणु होते हैं? 10 उसमें जल के अणु होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड को कि सोडियम क्लोराइड क्या होता है। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है NaCl, जिसे हम सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं? साधारण नमक कहते हैं।
चलिए अगला अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है NaOH, जिसे कहते हैं कास्टिक सोडा। कौन सा सोडा कहते हैं? कास्टिक सोडा कहते हैं। तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होता कौन सा? ए होता। इसलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है pH मूल्यांकन दर्शाता है। जो pH स्केल होता है वो दर्शाता क्या है, हमें ये बताना है। तो हम pH स्केल के बारे में हमने बहुत सी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको जानना होता है कि pH स्केल में मूल्यांकन कहाँ से कहाँ तक होता है, किसे मापता है। तो pH मूल्यांकन दर्शाता है किसे? किसी भी घोल में अम्लीय या क्षारीयता होने का मूल्यांकन को दर्शाता है कौन? pH स्केल। और इस pH स्केल का विस्तार होता है 0 से 14 अंक। इसमें 0 से 14 अंक लिखे रहते हैं और इसमें इसके मिड पॉइंट पे लिखा रहता है कितना? 7 लिखा रहता है। अब 0 से 7 तक का जो मान होता है वो तो होता है कौन सा? अम्लीय। और 7 से जो 14 तक का मान होता है कौन सा होता है? क्षारीय होता है। लेकिन जो 7 वाला मान होता है वो मान होता है कौन सा? उदासीन। कौन सा होता है? उदासीन। तो आप यहाँ से जान पाए होंगे पीएच के बारे में जो इम्पोर्टेंट, और इससे पीछे वाले जो क्वेश्चन हमने पढ़ा कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी, तो वहाँ हमने डिस्कस किया था किसके बारे में? सोरेनसन के बारे में। तो आप यहाँ से सही उत्तर को जान पाए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहता है वो कहलाते हैं सामान्य लवण। कौन से कहलाते हैं? सामान्य लवण कहलाते हैं जो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं, उनमें नहीं पाए जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? सामान्य लवण कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब यहाँ से आपके पास दो क्वेश्चन बनते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है और नीले को लाल में बदलने का काम कौन करता है? एक तो नीले को लाल में बदला जाता है और एक बदला जाता है लाल को नीले में। तो लाल लिटमस पत्र को जो नीले लिटमस पत्र में बदलता है वो तो होता है कौन? सार। जबकि नीले लिटमस पत्र को लाल में बदलने का काम कौन करता है? अम्ल करता है। बहुत सी एग्जाम में ये पूछा हुआ है, कांस्टेबल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपको यहाँ से दोनों ही क्वेश्चन पता रखने हैं। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है कौन? सार। जबकि नीले को लाल में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? अम्ल करने का काम करता है। ये अम्लों के गुण होते हैं। यदि आप यदि अम्लों के यदि सारों की परिभाषा यदि किसी को दे हो तो आप कह सकते हो कि अम्ल वे होते हैं जो नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल सकते हैं और सार वे होते हैं जो लाल को नीले में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से सही उत्तर को जान पाए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है उदासीनीकरण की क्रिया में बनता है। अब उदासीनीकरण की क्रिया क्या होती है? ये क्वेश्चन NTPC 2016 में पूछा हुआ है। तो उदासीनीकरण की क्रिया वे क्रिया होती है जिसमें अम्ल और सार आपस में क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? अम्ल और सार जो आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? उदासीन बनता है। उदासीनीकरण की क्रिया कहलाती है। और उदासीनीकरण की क्रिया में जो प्रोडक्ट होता है वो बनता है क्या? जल प्लस लवण। क्या बनता है? जल प्लस लवण बनता है। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण की क्रिया में कौन कौन भाग लेता है? अम्ल भाग लेता है और कौन? सार। और अम्ल और सार की जो आपस में क्रिया होती है उसे कहते हैं क्या? उदासीनीकरण की क्रिया। उदासीनीकरण की क्रिया में जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है जल और लवण। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेलवे 2016 में पूछा हुआ है। तो यहाँ से हमें पूछा था क्या? उदासीनीकरण की क्रिया में बनता है, उदासीनीकरण की क्रिया में कौन बनता है? लवण और जल बनता है। इसी प्रकार हम सही उत्तर को जान पाए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को चुनना था हमारे को यहाँ दिए हुए ऑप्शनों में से। तो सार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है, बिल्कुल सार जो होते हैं वो सार छूने पर चिकने महसूस होते हैं, सही है ये भी। सार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, इससे पीछे ही हमने डिस्कस किया था कि सार जो होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, जबकि जो अम्ल होते हैं वो नीले को किस में बदलते हैं? लाल में बदलने का काम करते हैं। नेक्स्ट इसका ऑप्शन है सभी सार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म सार नहीं होते हैं। ये भी इसका सही है कि सभी सार जो होते हैं वो भस्म होते हैं लेकिन सभी भस्म सार नहीं होते हैं। तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होता कौन सा? कि वो हमारे पास जो भी कथन दिए हुए हैं वो सभी कथन सत्य हैं, उपयुक्त सभी इसमें उत्तर आता। तो यहाँ से आप उत्तर लगाते कौन सा? डी लगाते। चलिए अगले क्वेश्चन है हमारा हाइड्रोक्सिल अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली होता है क्यों? जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली होता है क्यों होता है? क्योंकि
अब देखो यहाँ से आपको एक तो जैसे अम्ल होते हैं वो अम्ल दो प्रकार के होते हैं, तो प्रबल अम्ल होता है, एक कौन सा होता है दुर्बल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल उन अम्लों को कहते हैं जो जल में विलय होकर पूर्ण रूप से एच प्लस आयन में टूट जाते हैं, और दुर्बल अम्ल उसे कहते हैं जो जल में विलय होकर पूरा का पूरा एच प्लस आयन में नहीं टूटता है। तो यहाँ से प्रबल कौन सा, पूरा का पूरा एच प्लस में टूट जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल होता है, शक्तिशाली होता है एसिटिक अम्ल से, क्यों, क्योंकि वह पूर्ण रूप से किस में टूट जाता है, एच प्लस में टूट जाता है। इस कारण हमारा यहाँ से सही उत्तर होता कौन सा, बी, कि यह एच प्लस आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है, पूरा का पूरा आयनित हो जाता है, और पूरा का पूरा जो आयनित हो जाता है वो प्रबल अम्लों की श्रेणी में आता है, और एच सी एल जो होता है, यह एच सी एल जो होता है उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। जबकि दुर्बल अम्ल जो विभिन्न प्रकार के, जैसे कि लैक्टिक अम्ल हो गया, जो विभिन्न प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गए, वो सारे किस में आते हैं, दुर्बल अम्लों में आते हैं। तो एसिटिक अम्ल दुर्बल होता है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, प्रबल होता है। इसी प्रकार दोस्तों हमने 100 क्वेश्चनों को पूरा कर चुके हैं, इसी प्रकार हम धीरे धीरे 1000 क्वेश्चनों को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो आप इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए, और आपको दिया हुआ कंटेंट किस प्रकार का लगता है कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। चले दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।